ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। सैदपुर मवई अयोध्या। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला जनपद के थाना क्षेत्र मवई चौकी के ग्राम कसारी का है, जहां बीती 12 जुलाई रविवार को बद प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिले थे। आपको बताते चले कि गत रविवार 12 जुलाई को किसी अज्ञात ने चौकी प्रभारी सैदपुर के मोबाइल पर सूचना दी कि कसारी गांव के पास बद प्रतिबंधित मवेशी के अवशेष पड़े हुए हैं, जिसकी सूचना चौकी प्रभारी स्थानीय पत्रकार को देते हुए दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर तो सूचना सही साबित हुई। इसके बाद राजनारायण नाम के व्यक्ति से तहरीर दी गई, परंतु बिजली न होने की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। दूसरे दिन राजनारायण घर पर नहीं था तो अशोक मिश्रा व बब्बन सिंह ने जय नारायण नाम के व्यक्ति को घर पर बुलाया और उसे सैदपुर पुलिस चौकी लेकर गए। मौके पर चौकी प्रभारी के न मिलने पर वे लोग जय नारायण को लेकर थाना मवई पहुंचे, जहां नई तहरीर बनाकर उस पर उससे हस्ताक्षर कराकर एफआईआर दर्ज कराया। मामला तो तब बढ़ गया जब पवन कुमार पाठक नाम के लड़के ने उपरोक्त मामले में फेसबुक पर पोस्ट डालकर लिखा कि प्रधान पद उम्मीदवार श्रवण सिंह व उनके साथी रविंद्र सिंह, विशाल सिंह ने जनपद अमेठी निवासी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिया है, जबकि जांच में पता चला कि फेसबुक पर जो पोस्ट की गई है वह एकदम बेबुनियाद है और संदेह के घेरे में खुद पवन व इसके साथी हिमांशु, अनुभव आदि आ रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है, जांच के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए मंडल ब्यूरो अयोध्या आरपी शुक्ला के साथ विजेंद्र सिंह अमेठी की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? राजनारायण। राजनारायण। पिताजी का नाम? राम सरीवाल। गांव का नाम? बरवारी। बरवारी, बरवारी कसारी मजरे है ना जी। अच्छा, ये बताइए जो है रविवार को जो पशु के अवशेष मिले थे वहाँ आपके गाँव के किनारे, उसमें आपको दरखास्त देने से दबाया जा रहा था क्या? नहीं जी। नहीं। अच्छा, और नहीं तो हमें तो ये सूचना मिली है कि आपको लोग दबा रहे थे, आप डर रहे थे। नहीं जी, कोई मुझे कोई दबा नहीं रहा था, ना मैं डर रहा। अच्छा, दरखास्त तो आपने दिया नहीं? दिया था नहीं जी। अच्छा अच्छा, एक बात ये बताइए कि सौरभ सिंह सिपाही को आप जानते हैं? जी जानता हूँ, पहली बार देखा हूँ। पहली बार जी। नहीं, हमें तो ये पता चला है कि वहाँ जाते हैं श्रवण सिंह के दरवाजे बैठते हैं। जी मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, आपने कभी नहीं देखा। अच्छा अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो है सौरभ सिंह के द्वारा डरवाया धमकाया गया है। नहीं जी, ये भी गलत है ना जी। गलत। अच्छा, इसमें ये भी लोग बता रहे हैं कि दरखास्त आप देते ही नहीं जो है, अगर विनोद सिंह आपको नहीं मिले होते तो। नहीं जी, विनोद सिंह कोई बात नहीं। विनोद सिंह की कोई बात नहीं? नहीं। क्या नाम भैया आपका? विनोद कुमार सिंह। आपके पिताजी का? श्री देश पर सिंह। गांव का नाम? पूरे सावर सिंह कसारी। पूरे सावर सिंह कसारी। अच्छा, ये बताइए रविवार को जो वहाँ कसारी में आपके गांव में अवशेष मिले थे किसी पशु के जी, उसमें रविंद्र सिंह का पीछा किया था आपने? हमें रविंद्र सिंह का किसी तरह का कोई पीछा नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि राजनारायण दरखास्त देने में सहम रहे थे, क्या ये आपके पास गए तो उसके बाद में इन्होंने दरखास्त दिया था वहाँ? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस संबंध जानकारी नहीं है? बिल्कुल जानकारी है, लेकिन किसी पर कोई जोर दबाव नहीं है। सारे लोग इकट्ठे होके गए थे, किसी के ऊपर कोई दबाव देके नहीं गए। तो इसका मतलब ये किसी के बदनाम करने की साजिश है? साजिश है, नहीं तो इसमें आपस में लड़ा देने की कोई जरूरत ही नहीं। ये तो परिवार में गोली चलवा देने का माहौल। किसके ऊपर संदेह है आप लोगों को? किस चीज का? यही लड़ाने का। आजनाथ मिश्रा बब्बन से, ये लोग हो सकते हैं और हो कौन सकता है, इन्हीं लोगों के साथ हमसे। ठीक।